या हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ दिस सीरीज। सो इन पास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने कुछ ग्राफ्स बनाने सीखे थे फ्रॉम एक्सेल, एंड टुडे हम एक और मल्टी डायमेंशन ग्राफ बनाना सीखेंगे। मल्टी डायमेंशन मींस जिसमें हम मोर देन वन डायमेंशन लेंगे। सो आज हम सीखेंगे ट्री मैप। ओके, सो फॉर ट्री मैप ये हमने ऑलरेडी टेबल क्रिएट करी थी, विच यू कैन रिफर टू लेक्चर वन, हाउ डिड वी क्रिएट दिस टेबल। तो इस टेबल में आने के बाद हम लोग इंसर्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन पिवट टेबल क्रिएट करेंगे एंड न्यू शीट सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन ओके। एंड नाउ इस शीट का नेम हम पुट करेंगे ट्री मैप। ओके, सो टू क्रिएट ट्री मैप सबसे पहले ऑलरेडी पिवट टेबल के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हाट इट इज इन लेक्चर वन, इसको आप रिफर करिए। सो ट्री मैप के लिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट लेंगे रोज में, देन हम कंट्री लेंगे, एंड आफ्टर कंट्री हम इसमें लेंगे सेल्स। ओके, सो आप देख सकते हैं ये दो हमारे पास डायमेंशन है, वन इज प्रोडक्ट एंड वन इज कंट्री। देन हम इसमें से ग्रैंड टोटल एंड सब टोटल रिमूव करेंगे। तो रिमूव ग्रैंड टोटल एंड सब टोटल, हम सबसे पहले डिजाइन पे जाएंगे एंड देन डू नॉट शो सब सब टोटल्स एंड देन ग्रैंड टोटल्स ऑफ फॉर द रोज एंड कॉलम्स। ये क्लिक करने के बाद हमारा ग्रैंड टोटल एंड सब टोटल हाइड हो जाएगा। देन एज अ बेस्ट प्रैक्टिस मैंने कहा था कि हम फील्ड सेटिंग पे जाएंगे, देन लेआउट एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे, एंड फिर हम सेलेक्ट करेंगे शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्म एंड रिपीट आइटम लेबल्स। ओके, तो क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि पहली रो में हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड देन सेकेंड रो इज अ कंट्री वाइज एंड देन इट्स अ सम ऑफ सेल्स। ओके, नाउ वंस वी हैव क्रिएटेड दिस पिवट टेबल, अगर हम इसको डायरेक्टली इफ वी गो टू इंसर्ट एंड देन पिवट चार्ट सेलेक्ट करते हैं, तो इफ यहाँ पे हम ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं वो ट्री मैप का, यू कैन सी इट विल नॉट क्रिएट। ओके, सो टू क्रिएट अ ट्री मैप हमें क्या करना होगा, फर्स्ट हमको ये डेटा सेलेक्ट करना होगा एंड कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद हमको यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करनी, सिर्फ वैल्यूज। ओके, वैल्यूज पेस्ट करिए एंड नाउ हम इसका लेबल देंगे, हम इसको देंगे एज अ प्रोडक्ट लेबल, प्रोडक्ट। ओके, एंड इस सम ऑफ सेल्स को हम देते हैं सेल्स एज अ लेबल। ये अब हमारा डेटा है, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास वेरियस ऑप्शन है। ये देखिए डायरेक्ट हायरार्की चार्ट पे आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं पहला है ट्री मैप, इसको आप क्लिक करिए एंड आपका ट्री मैप रेडी है। अब इसको जूम करते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस चार्ट इज ऑल अबाउट। सो ये हमारा ट्री मैप है। अब ट्री मैप में क्या होता है, अब आप देखिए इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक प्रोडक्ट हमारे पास पैशियो, ठीक है, एंड देन वो किस कंट्री में है, तो येलो पार्ट वुड बी कंप्लीटली ऑफ पैशियो, ग्रीन पार्ट वीटीटी एंड देन अम्ब्रीला दिस लाइट ब्लू एंड सो ऑन ग्रेज मॉन्टेना। एंड हम डायरेक्टली इस मैप से देख सकते हैं कि द कंट्रीज मेक्सिको वेयर इट इज सेलिंग एंड अकॉर्डिंग टू द सेल्स नंबर द साइज एरिया ऑफ दिस वुड बी डिफाइंड। सो हम देख सकते हैं कि पैशियो मैक्सिमम सेल इज इन मैक्सिको। ओके, सिमिलरली डायरेक्टली सीइंग दिस ग्रीन कलर वी कैन सी इट्स ऑन यूएसए, वीटीटी इज मोस्ट सोल्ड इन यूएसए। सिमिलरली इफ वी गो टू मॉन्टेना इट इज ऑन यूएसए एंड कैरेटेरा इफ वी सी इट्स ऑन फ्रांस। तो दिस इज वाई दिस ट्री मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज व्हाट द
ट्री मैप इज ऑल अबाउट। तो दो डायमेंशंस हैं, एक पैशियो एंड देन मींस एक प्रोडक्ट है, देन हमारे पास कंट्री एंड उसकी वैल्यू। तो वैल्यू इज डिफाइंड बाय द एरिया, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन सी कि लीज सेलिंग फॉर द VTT इज मेक्सिको, फॉर वेलो इज मेक्सिको एंड अमरीला इट्स यूएसए एंड सो ऑन, वी कैन सी इट, ठीक है। सो इस टाइटल का चार्ट, चार्ट टाइटल हम पुट करते हैं, वुड बी सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड कंट्री, ओके। इसको थोड़ा सा हम लोग डेकोरेट कर लेते हैं, डेकोरेट पे हम जाएंगे, देखते हैं विच वन इज बेटर ऑप्शन। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें कलर चेंज कर सकते हैं हम, लाइक दिस। सो ये हमारा एक चार्ट रेडी है। तो आप भी कोई दो डायमेंशन ले सकते हैं एंड देन कोई एक मैट्रिक्स, एंड इस चार्ट को आप ड्रॉ करें, लर्न करें। थैंक यू, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।